and to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. The night's young, it is just beautiful. साफ सुथरा घर किससे पसंद नहीं, मुझे तो बहुत पसंद है। घर जितना साफ सुथरा होगा, जितना ऑर्गेनाइज होकर सारी चीज़ें रहेंगे, उतना ही घर सुंदर दिखेगा, चाहे घर छोटा हो या बड़ा हो। तो घर के अंदर की साफ सफाई तो हम हमेशा करते हैं, लेकिन घर के बाहर की एरिया को भूल जाते हैं। लेकिन मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरा घर की अंदर की एरिया जिस तरह से साफ़ सुथरा रहे, उसी तरह से मैं अपने घर के बाहर की एरिया को भी साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करती हूँ। और हर एक दिन में अपने घर के बाहर की, घर के अंदर की साफ सफाई के लिए 2-3 घंटा टाइम ज़रूर निकालती हूँ। चाहे मुझे इतना भी काम क्यों ना हो, ये मेरा एक आदत बन चुका है। ये आदत मुझे अभी लगा ये कहना गलत होगा, मैं जब छोटी थी तब से लेकर आज तक मैं घर की साफ़ सफाई करती आई हूँ। क्योंकि छोटी टाइम से मैं अपनी मम्मी को देखती थी, वो हर रोज़ घर में पोछा लगाती थी। इतना काम होने के बावजूद भी वो हर रोज़ पोछा लगाती थी। सिर्फ मेरी मम्मी ही नहीं, मेरी दादी भी बहुत साफ़ सफाई करती थी। हमारे बैकयार्ड को हमेशा साफ़ सुथरा रखती थी। जितना सारा घास वगैरह होता था ना, चाहे वो रेनी सीजन हो या फिर समर सीजन हो, हर सीज़न में वो हमेशा बैकयार्ड को साफ़ रखती थी। तो बहुत सारी चीज़ों को देख देख कर मैं थोड़ा बहुत सारे काम भी सीखने लगी, और बहुत सारे काम करने के लिए मेरा इंटरेस्ट भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो पढ़ाई के साथ साथ मैं अपने घर की साफ़ सफाई भी करती रहती थी। मम्मी को थोड़ा सा हेल्प कर देती थी घर के साफ़ सफाई में, झाड़ू पोछा में, और बहुत सारे काम भी मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे ना घूमना फिरना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, ना बचपन में था और ना आज है। अपना पढ़ाई करती थी, स्कूल ट्यूशन जाती थी, उसके अलावा जितना टाइम मुझे मिलता था ना, मैं अपनी मम्मी की हेल्प करती थी। बहुत सारे DIY चीज़ों से मैं घर को सजाती थी। जहाँ से जो भी देखती थी ना, उसे घर में आकर बनाने की कोशिश करती थी, और बहुत चीज़ें भी बना लेती थी। बाकी बहुत सारा आदत तो बदल गया है, लेकिन वो आदत अभी तक मेरा नहीं बदला। अभी भी मैं घर की साफ़ सफाई करती हूँ, घर को सजाती हूँ, और बहुत सारी चीज़ें करने में अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। और बहुत डांट भी खाती हूँ सबसे कि कितना ज़्यादा काम करती है, इतना काम करोगे तो कैसा होगा, फिर भी मैं करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। ये कहना गलत होगा कि मैं ज़बरदस्ती ये सारे काम करती हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, तब भी जाकर मैं ये सारे काम करती हूँ, खुशी से करती हूँ। तो चलिए, बहुत सारा बचपन के बातें भी हो गया, और अभी वीडियो की तरफ चलते हैं। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत दिनों के बाद आज मैं थोड़ा सा वीडियो बना पा रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में थोड़ा बहुत काम चल रहा था, तो बहुत बिजी थी, और उसके बाद थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो गया था, इसीलिए थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था वीडियो वगैरह बनाने के लिए। तो ये छोटा सा वीडियो मैं आप सबके लिए आज बनाई हूँ, थोड़ा सा अपडेट देने के लिए। तो बहुत दिनों के बाद ये मेरा छोटा सा वीडियो आप सबको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सब मुझे कितना मिस करते थे, 1 महीना से ऊपर हो गया मैं वीडियोस नहीं बनाती थी। चाहे जितना भी दिक्कतें आएँ, चाहे जितना भी टाइम लगे, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ आप सबके लिए थोड़ा बहुत वीडियोस बना कर डालूं। क्योंकि मुझे पता है मैं जिस तरह से आपको मिस करती हूँ, आप सब भी मुझे उतना ही मिस करते हैं ना। तो आज ना मैं बैकयार्ड की थोड़ा सा साफ़ सफाई कर रही हूँ, क्योंकि अभी तो समर सीजन ख़त्म होने वाला है। अभी तो ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि 2-3 दिन से ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है। तो रेनी सीजन से पहले मैं बैकयार्ड का बहुत सारा काम निपटाऊँगी। तो आज थोड़ा बहुत काम कर रही थी, तो आप सबके साथ थोड़ा सा शेयर कर दिया। तो ये पोइसा की कटिंग में 10-15 दिन पहले ही लगाई थी, तो अभी देखिए बहुत ज़्यादा ग्रोथ इसमें हो गया है, और थोड़ा और बड़ा हो जाने के बाद मैं इसको मिट्टी में शिफ्ट कर लूँगी। मिट्टी में मतलब नीचे लगा दूँगी, ताकि इसका ग्रोथ और भी अच्छा हो। तो बीच बीच में बारिश हो रहा है, तो उसकी वजह से बैकयार्ड में जगह जगह पे घास वगैरह हो गया है। तो ये सारे घास को मुझे थोड़ा थोड़ा करके साफ करना पड़ेगा, वरना बैकयार्ड में ये घास ना बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो आज ना बैकयार्ड में बहुत सारे ब्रांचेस का कटिंग कर लिया है,
और बीच बीच में मैं ऐसे ही ब्रांचेस का कटिंग करती रहती हूँ, तभी जाकर उसमें अच्छा फूल खिलते हैं। और रेनी सीजन से पहले तो मुझे बैकेट के जितने सारे बड़े वाला ब्रांचेस है उसे कटिंग करना पड़ेगा। अगर हम इस टाइम ब्रांचेस का कटिंग कर लेते हैं तो रेनी सीजन में बहुत सारे नए ब्रांचेस आएंगे और उसमें बहुत सारे फूल भी खिलेंगे, तो दिखने में भी अच्छा लगेगा। इसीलिए मैं बीच बीच में सारे ब्रांचेस को कटिंग कर लेती हूँ। तो पैकेट से जितने सारे पत्ते वगैरह निकलते हैं ना, बहुत सारे पत्ते को मैं बाहर नहीं फेंकती हूँ, एक जगह जमा कर लेती हूँ, ताकि ये सारे पत्ते और जितने सारे वेस्ट चीज़ें हैं ना, वो सारे मेरा खाद में काम आए और मैं उसे गमलों में डाल पाऊँ। तो इस वजह से मैं उसे इकट्ठे करके रखती हूँ और बीच बीच में उसका यूज़ भी कर लेती हूँ। तो ये देखिए, ये प्लांट में ना थोड़ा बहुत मिलीबग्स हुए हैं, क्योंकि इस टाइम ना ज़्यादातर मिलीबग हो जाते हैं, तो इसीलिए प्लांट को थोड़ा सा केयर करना पड़ता है। तो अभी मैं पानी में थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल के यहाँ लाई हूँ, तो इसे मैं प्लांट्स के ऊपर डाल दूँगी, तो ये मिलीबग धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। ये डिटर्जेंट वाला पानी ना आफ्टरनून में डाले तो और भी अच्छा रहता है, लेकिन मैं अभी काम कर रही थी तो डाल दिया, लेकिन आप सब डालेंगे तो आफ्टरनून में ज़रूर डालें। और ये कुछ ब्रांचेस को कटिंग करके मैं रख लिया था, इसे नहीं फेंका था, और अभी मैं इसे पानी में रख रही हूँ। ये सारे ब्रांचेस ना पानी में इजीली ग्रो कर जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे ब्रांचेस की कटिंग करके मैं पानी में रख लेती हूँ, घर के अंदर बाहर जहाँ मुझे अच्छा लगता है वहाँ रख देती हूँ, ताकि घर दिखने में भी अच्छा लगे और घर के अंदर ग्रीनरी भी बना रहे। तो देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो, पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं मेरे और एक न्यू ब्लॉग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।